हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सड़क हादसे और सब इंस्पेक्टर की मौत। परिवार के साथ हरिद्वार घूमने जा रहे थे दारोगा, पत्नी सास व ड्राइवर भी हुए जख्मी। भानिया वाला नूना वाला हरिद्वार हाईवे पर जेसीबी से हुई कार की टक्कर। डोई वाला जेसीबी मशीन और कार की टक्कर होने से उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जिस समय की कार चालक व सब इंस्पेक्टर के परिवार के दो सदस्य घायल हो गए। घटना के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक हुकुम सिंह उत्तराखंड पुलिस और सब इंस्पेक्टर थे। वर्तमान और थाना धरासू जिला उत्तरकाशी और तैनात थे। वह निजी काम से परिवार के साथ हरिद्वार जा रहे थे। घटना के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया है। रविवार को सुबह 10 बजे के आसपास हादसा भानिया वाला नूना वाला हरिद्वार हाईवे के पास हुआ। घटनाक्रम के अनुसार कार भानिया वाला नूना वाला से होते हुए हरिद्वार की ओर जा रही थी। इसी बीच नूना वाला हाईवे पर जेसीबी मशीन एक गली से एकाएक हाईवे पर आ गई। इससे पहले कार चालक कुछ समझ पाता कार जेसीबी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण हुई कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा होने पर कार चालक राजेश 45 पुत्र सुबुद्ध सिंह निवासी घमंडपुर रानी पोखरी, हुकुम सिंह रोथान 58 पुत्र गोविंद सिंह रोथान निवासी गली नंबर 12 आदर्शनगढ़ जौली ग्रांड थाना डोई वाला, उनकी पत्नी मीरा देवी 54 और उनकी सास सतेश्वरी देवी 72 पत्नी कृपाल सिंह गुसानी घायल हो गए। मौके पर आई पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल और भर्ती कराया। जौली ग्रांड पुलिस चौकी प्रभारी मंजूल रावत ने बताया कि उपचार के दौरान हुकुम सिंह रोथान की मौत हो गई। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।